आपको बता दूं 6 मई 2023 से शुरू हो रहा है जेठ का मास। क्या खाएं क्या ना खाएं, किन नियमों का पालन करें। जेठ के महीने में बेल खाना चाहिए, बेल का शरबत पीना चाहिए। वो तो आपको पता है ठंडी होती है और बेल शंकर भगवान पर भी अर्पण की जाती है और बेल का शरबत जगह जगह पर मिलता है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए, कम खाना चाहिए, लस्सी का प्रयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। रस्सेदार फल बाज़ार में आते हैं जैसे आम, जैसे तरबूज, जैसे खरबूजा, इनका हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ज्येष्ठ के मास में अगर आपका कोई बेटा, पुत्र या पुत्री का विवाह हुआ नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं मानते। मतलब आपके घर का जो ज्येष्ठ पुत्र है, मतलब आपके घर का जो बड़ा बेटा या बेटी है, उसका विवाह कभी भी जेठ के महीने में नहीं करना चाहिए। जब मर्जी करो पर जेठ के महीने में नहीं करो। जेठ के महीने में दोपहर में आपको चिलचिलाती हुई धूप में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जेठ के महीने में ही सबसे ज़्यादा जो है लू चलती है। जेठ के महीने में एक समय का भोजन करना चाहिए। अगर आपको निरोगी रहना है, आपको कुछ अनुशासन इस महीने में ज़रूर अपनाने चाहिए। पानी का इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए। आपको गर्म पानी से जेठ के महीने में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। आपको गुलाब के फूलों की पत्तियां डालकर जेठ के महीने में पानी में स्नान करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें जेठ के महीने में, मैं डॉक्टर वायराकी आपको अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा। इस माह में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए काले तिल, सफ़ेद तिल का दान ज़रूर करें। और संभवतः हो सके तो आप तिल इस महीने में गंगा जी या यमुना जी में पानी में भी ज़रूर बहाएं। जेठ के महीने में हनुमान जी की कृपा जो है पाने के लिए आपको हनुमान जी और राम जी की पूजा विशेष कर करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जेठ के महीने में ही हनुमान जी का मिलन सबसे पहले श्री राम जी से मुलाकात हुई थी, वो जेठ का महीना था। इसलिए इस माह को हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ होता है। इस महीने का जो स्वामी है वो भी मंगल है, और इसलिए भी आपको हनुमान जी की इस महीने में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जेठ के महीने में हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का कार्य करना चाहिए और जल को महत्व देना चाहिए। जल की एक बूंद को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में हमें पेड़ पौधों पर जल देना चाहिए। इस माह में हमें वरुण देव और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, इसका एक विशेष महत्व है। जेठ के महीने में रविवार का व्रत रखना चाहिए। जेठ के महीने में अगर आप संडे का व्रत रखते हो तो आपको सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ साथ सरकारी नौकरी भी लगती है। अगर आप कुछ ना कर सके तो संडे के संडे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें, इससे समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और यश बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा बता दूं, जो लोग कहते हैं ना मेरी कहीं इज्जत नहीं है, मेरा पति इज्जत नहीं करता, मेरी सास इज्जत नहीं करती, मेरे घर वाले इज्जत नहीं करते, उन्हें जेठ के महीने में खासकर संडे के व्रत रखने चाहिए। चार व्रत होते हैं, केवल चार व्रत रखिए और आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए। जेठ के महीने में जल का दान करना चाहिए। आपको जल के लिए टंकी, स्रोत लगाने चाहिए। आपको छबील बांटनी चाहिए। आपको पशु पक्षियों के लिए जो है जल का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए जेठ के महीने में। इस महीने में आपको मटके पानी से भरकर लोगों के लिए जगह जगह पर रखवाने चाहिए और मंदिर में दान करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पशु पक्षियों के लिए दाना सतनाजा ज़रूर देना चाहिए। छत पर भी पानी पक्षियों के लिए बिल्कुल ना रखें, रखना है तो आंगन में रखें, बालकनी में रखें। और बालकनी में भी रखने के मैं टोटल विरोध में हूँ। खुली जगहों पर जाके छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखें, प्लास्टिक के बर्तन रखें। कुत्ते के लिए, कट्टू गिलहरी के लिए, पेड़ों के नीचे आपको पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। खुद आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच में जेठ के महीने में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूरतमंद लोगों के घर में पंखा जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो हाथ वाला पंखा दे, उनके जल का इंतजाम करना चाहिए, चाहे वो छत पर चलने वाले पंखे का इंतजाम करें। ज्यादा सोने से इस महीने में आपको रोग फैलते हैं। जेठ के महीने में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। इस महीने में बैंगन खाने से विशेषकर दोष लगता है, इसलिए जेठ के महीने में बैंगन, बैंगन की चटनी, भरते वाला बैंगन, लंबा बैंगन, छोटा बैंगन, हरा बैंगन, पर्पल बैंगन नहीं खाना चाहिए। जेठ के महीने में आपको एक समय का भोजन किसी को दान करना चाहिए, किसी को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए, विशेषकर महत्वपूर्ण है। जेठ के महीने में आपको अपने बड़े बुजुर्गों को अपने घर में भोजन के लिए बुलाना चाहिए, जैसे आपकी जेठानी, जैसे आपके सास ससुर, जैसे कोई हनुमान जी की विशेष पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूरे जेठ के महीने में आपको हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। जेठ
जेठ के महीने में गर्मी से बचने के लिए इसके हिसाब से ज्यादा पानी की किल्लत होती है, इसलिए आपको नदियों के किनारे पर दिए जलाने चाहिए, इससे आपको विशेषकर लाभ होता है। इस महीने में आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। जेठ के महीने में आपको दान पुण्य खुलकर करना चाहिए। आपको इस महीने पशु पक्षियों को खरीद कर उन्हें पिंजरे से आजाद करवाना चाहिए। जेठ के महीने में आपको कोई भी गंगा स्नान, यमुना स्नान, कोई भी नदी या तालाब का स्नान या जरूर करना चाहिए, इससे आपको विशेषकर लाभ होता है। जेठ के महीने में अगर किसी भी हनुमान जी के बड़े मंदिर जा सके तो जरूर जाना चाहिए। जेठ का नाम कैसे पड़ा, जेठ। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए इन दिनों में दिन बड़े और रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं, और सूर्य ज्येष्ठता मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए इसे जेठ का महीना का संबंध पानी से जोड़ा गया ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जेठ के महीने में पानी से जुड़े व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे गंगा दशहरा, जैसे निर्जला एकादशी। जेठ के महीने का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसमें सूर्य की उपासना और हनुमान जी की उपासना की जाती है। कहते हैं कि सूर्य देवता जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा रुद्र रूप में होते हैं। पानी का महत्व बहुत ज़्यादा हमें एहसास होता है, हमें दिल करता है हम नहाते रहें, हमारा दिल करता है हम पानी पीते रहें, पानी की दिक्कत का भी हमें सामना करना पड़ता है। जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा महत्व किसी को पानी पिलाने का होता है, इसीलिए अगर अपने घर से आप निकल रहे हैं तो एक दो पानी की बोतल एक्स्ट्रा लेके निकलें, जहां आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे उसे पानी ज़रूर दें। जेठ के महीने में किसी खुली जगह छत या चिड़ियों के लिए दाना पानी अवश्य डालें। तालाब वगैरह में अगर वह सूखने लगे तो वहाँ पर भी आप पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें। जेठ के महीने में भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान जी से मुलाकात की थी, जिसके चलते इस महीने को हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष महत्व कर बताया गया। अगर आप इस पूरे महीने में हर रोज़ एक महीने तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है और आपके जीवन में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर सक्सेस चाहिए तो जेठ का महीना आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है, मात्र पानी के दान से। किसी को पानी पिलाने से, छबील बांटने से, किसी को पंखा देने से, किसी को छतरी देने से, किसी को जूता देने से, हनुमान जी और राम जी की पूजा करने से, हनुमान जी की आराधना करने से, और सूर्य देवता को जल देने का महत्व जितना पूरे वर्ष नहीं होता उतना जेठ के महीने में होता है, क्योंकि सूर्य देवता में इतनी तेज़ गर्मी और प्रकाश होता है। सुबह सुबह सूर्य देवता निकल जाते हैं, जब आप उन्हें जल देते हैं तो उन्हें शीतलता प्राप्त होती है और आपके कष्ट और तकलीफों को दूर करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा अपना और माता रानी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, माता रानी की असीम कृपा हो।